अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का टूटी फ्रूटी वनीला केक। बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको बनाएंगे। तो अगर आप इस तरह का परफेक्ट सा बनाना चाहते हैं केक, तो रेसिपी करने तक क्लास में देखना। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें रूम टेम्परेचर पर चाहिए हाफ कप मिल्क, उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दो बड़े अंडे। अगर अंडे अंडों का साइज़ छोटा है तो तीन अंडे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमने तीन अंडे ऐड किए। उसके बाद इसमें जो अंडे की स्मेल है वो दूर करने के लिए हाफ़ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट तक हमने इसकी जो है वो मिक्सिंग करनी है। हम लोग हैंड विस्क को यूज़ करते हुए मिक्सिंग कर रहे हैं, तो बीटर नहीं है तो घबराना नहीं है। अगर आप इसको ब्लेंडर में बनाना चाहते हैं तो ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप जो है वो पाउडर शुगर। अगर आप चाहें तो दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं बग़ैर पीसे, लेकिन उसे आपको ज़्यादा मिक्स करना होगा, ज़्यादा तेज़ी से मिक्स करना होगा, तो उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, इसलिए हमने पाउडर शुगर ऐड किया है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है हैंड विस्क की मदद से। और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप घी, 1/4 कप घी सॉरी। आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम लोग इसकी मिक्सिंग करेंगे 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे से। मिक्सिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने ये स्किप नहीं करना है। और भी बहुत सी केक्स की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जाइए वॉच कीजिए, बनाइए, बहुत आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ हैं। तो अब बारी आती है इसमें मैदा शामिल करने की। तो मैदे को हम छान के ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने 1 कप मैदा ले लिया है और उसमें हम लोग शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर जो कि है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से इसको छान लेंगे। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है, अब फौरन हम लोगों ने ऐट द स्पॉट हमने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसको स्टे नहीं करवाना है वरना हमारा बैटर ख़राब हो जाएगा और केक फूलेगा नहीं। तो हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लिया। मिक्सिंग के दौरान हम लोग इसमें 1 पिंच जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा केक का, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और दिखने में अगर चीज़ खूबसूरत लगती है तो खाने को भी उसका उतना ही दिल करता है। तो ये हमारे पास हाफ़ कप जो है वो टूटी फ्रूटी है होममेड, इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, जाइए वॉच कीजिए और बनाइए, बहुत आसान रेसिपी है। तो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे टूटी फ्रूटी। मैदा डस्ट करके मैंने ऑलरेडी जो है वो बाउल को रेडी कर लिया था जिसमें हमने केक बेक करना है, तो हम सारा का सारा बैटर जो है वो बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे कढ़ाई को हम लोगों ने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले लो फ्लेम पे, तो उसमें हम लोग शामिल कर देंगे अपना ये केक वाला बैटर। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे केक की लुक बहुत अच्छा बेक हुआ था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, लाजवाब, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ही आसान रेसिपी है, विदाउट ब्लेंडर विदाउट बीटर आप लोग इस केक को बना सकते हैं बहुत ही इजीली, और बिगिनर्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमारे साथ लास्ट में शेयर करना है। और भी मज़े मज़े के केक्स की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, जाइए वॉच कीजिए, बनाइए, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ हैं और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, तो जाइए वॉच कीजिए, बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ लास्ट में शेयर कीजिए। उम्मीद है आज की सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।